ये मिथ को मैं किसी भी टैलेंटेड आदमी विद्वान से ओपन प्लेटफॉर्म पे बात करने के लिए मैं तैयार हूँ। समय छोटा है, कम है, लेकिन बहुत सारे मैं प्रमाण दे सकता हूँ। दूसरी चीज जो आपने बोला जाति वगैरह, देखिए इसकी ओरिजिन देखिए सनातन सभ्यता में, यहाँ पे जिन लोगों ने भी पूरे एक समाज की व्यवस्था की, जो धर्म गुरु थे, आचार्य थे, ज्ञानी थे, उन्होंने कहीं किसी ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि हम जाति व्यवस्था इस निगेटिव प्रस्पेक्टिव के लिए कर रहे हैं। जाति व्यवस्था इट इज द वन ऑफ द बेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम। आप मुझे बताइए, आप डॉक्टर हैं, क्या मेडिसिन की क्लासिफिकेशंस नहीं होती है कि किस ग्रुप में कौन सी मेडिसिन है? बॉटनी में प्लांट का क्लासिफिकेशन होता है, आदमियों का क्लासिफिकेशन है नियंडरलेथल मानव, और हम करंट में होमोसेपियंस है, हमारा जो है बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियंस है। इतने बड़े समाज को चलाने के लिए जहां पे करोड़ों करोड़ लोग हैं, वहां पे क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। हर कंपनी में क्लासिफिकेशन होता है कि एक एमडी होगा, एक डायरेक्टर होगा, एक ओनर होगा, क्लर्क से लेके एक हायरार्की होती है, और वो हायरार्की जो होती है डिपेंडेंट ऑन कर्मा एंड क्वालिटी होती है। तो ये जो क्लासिफिकेशन बना था, ये कर्मा और क्वालिटी के, हर आदमी तो समान नहीं हो सकता है ना। कोई ये बोले कि भाई आइंस्टीन से कोई कंपैरिजन करे, तो आइंस्टीन को तो सबसे टॉप साइंटिस्ट, अब बोले कि जी हमें उनके बराबर क्यों नहीं रखा गया है? एक मिनट मैम सुन लीजिए मुझे, लेट मी कंप्लीट। अब रही बात बहुत अच्छे चीज के लिए जो है ये क्लासिफिकेशंस किए गए थे बाद में राजनेताओं ने, मैं तो ये बोलता हूं कि भाई आप मुझे ये बताइए, सनातन सिस्टम ने, और स्पेशली अगर ब्राह्मणों के ऊपर अटैक करते हैं तो मैं तो सीना ठोक के बोलता हूं कि हम वो ब्राह्मण है जिसने आज के हिसाब से, कृष्ण ओबीसी थे यादव, हमने उनको भगवान बना दिया। आप मुझे बताइए, बिना पैसा लिए हुए उनके जो गुरु थे संदीपन मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, जो आज के हिसाब से, आज के नेताओं और अंग्रेजों के हिसाब से, आज के नेताओं और अंग्रेज, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हेलो, लेकिन लेकिन हाँ, जरा आज शॉर्ट के, रखिए, शॉर्ट रखिए, क्योंकि हाँ, टाइम बढ़ता बस जा मैं रहा एक मिनट में, है। अंग्रेजों और आज के संविधान के हिसाब से जो ओबीसी है मौर्य, उनको चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। मैं 25 उदाहरण दूंगा, जाति पात की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। आज करेंट डेट में इन सब चीजों को यूज करके, धर्म को यूज करके और जाति पात को यूज करके डेफिनेटली अपना मतलब साध रहे हैं, और गंदे तरीके से यूज कर रहे हैं। यूज करना, अच्छे तरीके से करना मैं समर्थन करता हूं, लेकिन गंदे तरीके से, स्वार्थ भरे तरीके से कि आप वादा कर लो, मैं बोलता हूँ आप वादा कर लो लेकिन आने के बाद उसको फुलफिल तो करो। 70 साल में एक भी वादा फुलफिल किया होता तो किसी न किसी जाति का उद्धार जरूर हो गया होता। 70 साल का समय बहुत होता है सर।